स्वागत है दोस्तों हमारे चैनल में, मिस्टर बाइक फिटिंग चैनल में। ये देख सकते हैं ये बाइक है जो सिटी 100, ये चलने पर झटका देती है और भुदभुदा रही है बाइक, पूरी पिकअप नहीं ले रही है। तो हमने आपको ध्यान देना चाहिए, ये प्लग भी नए लगाए हैं, करेंट भी सही आता है इस बाइक का, आप देख सकते हैं। जैसे ऑन करके चाबी, आप देख सकते हैं इसका करंट, स्टार्ट देख सकते हैं, पूरी बराबर करंट दे रहा है बाइक में, बाइक में चालू हो गई है। दोस्तों ये हमारे पास सिटी 100 बाइक का ही हुई है, बजाज का, जो कि इसमें दिक्कत है कि चलती है तो हचका देती है, झटके देती है, और करंट भी हमारा बराबर आ रहा। और जब भी ऐसा प्रॉब्लम आए आपको तो आप तो हमने देखिए सीट को ओपन कर रखा है, क्योंकि बीमारी हमको मालूम पड़ चुका है। तो जैसे आपको दिक्कत आए तो ये कंडेंसर आप देख सकते हैं, ये तार जो कंडेंसर का है वो छूट चुका है, इसके वजह से ये बाइक जो है झटका देती है और चलती है तो पिकअप पूरी तरह नहीं लेती है। इसको हम कंडेंसर भी लगा के और दिखाते हैं। और ये दो हम कंडेंसर लिए हैं, जो कि एक हम यहाँ पर लगाएंगे, देख सकते हैं ये बैटरी के जगह पर लगाएंगे, ताकि हमारा हॉर्न लाइट सब जरे। ये बैटरी का जगह पर हम एक और कंडेंसर लगाए हैं, और ये जो कंडेंसर है एक यहाँ पर लगाएंगे। तो चलिए हम फटाफट इसको ओपन करते हैं और फिटिंग करते हैं, उसके बाद दिखाते हैं। जैसे कि देख सकते हैं दोस्तों, ये हमारा माइनस में जाएगा यानी ठंडा है, और ये है जो गर्म है। तो हम इसको इसमें लगाने का, क्योंकि ऑप्शन ख़त्म हो गया है, तो हमारे पास यही था, खुला में था, ऐसा नहीं था। तो हमने क्या करेंगे, इसको हम जो गर्म है इसको यहाँ पर डालेंगे, इसको इस प्रकार से हम जॉइंट कर लेंगे, क्योंकि ज़्यादातर ये ख़राब होने पर ऐसा दिक्कत आता है। और एक जो है यहाँ पे हम अर्थिंग दे देंगे इस बॉडी में, इस प्रकार से इसी को टाइट करेंगे। देख सकते हैं दोस्तों, हमने एक प्लस में डाला है, एक माइनस में यहाँ पे अर्थ दे दिया है, शायद आपको दिख रहा होगा। इसको चलिए फटाफट कसते हैं। दोस्तों हम बताना चाहेंगे आपको कि ये देख सकते हैं, हमने इसको प्लस में डाला है और माइनस में अर्थ दे दिया है। अब हमारा जो बाइक का जो दिक्कत था, जैसे झटके मार के चलती थी और धकधकाती थी और पिकअप नहीं लेती थी, वो हमारा प्रॉब्लम सही हो गया है। और आपको स्टार्ट करके भी दिखाएंगे बाइक को। और एक जो कंडेंसर है, यदि आपका जब भी आपका बैटरी ख़राब हो, देख सकते हैं, तो एक यहाँ पर आप डाल सकते हैं। इसके फ़िलहाल में आपको हॉर्न और इंडिकेटर के लिए जल सकता है और बच सकता है, कोई दिक्कत नहीं आएगा। जैसे कि आपको हम दिखा रहे हैं, ये बैटरी पूरी तरह डेड हो चुका है, और हम इस कंडेंसर को लगा के आपको दिखाएंगे, और इससे हम पूरी बाइक का हॉर्न बैट जो इंडिकेटर होता है उसको भी हम जलेगा और हॉर्न भी बजेगा। देख सकते हैं दोस्तों, हमने इसको पूरी तरह हम इसको प्लस में, ये प्लस में लगा चुके हैं, एक माइनस में जाएगा, और एक यहाँ पे हम डाल देते हैं, इसमें लगा देते हैं, ताकि हमारा बैटरी भी बैटरी में डालकर। इस प्रकार से हम हॉर्न को भी बजाएंगे, और जो बीमारी था जो झटके मार रही थी बाइक, उसको भी हम सही करेंगे। दोस्तों वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस प्रकार से वीडियो हम बनाते हैं आपको
कोई भी दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम सॉल्व होने के लिए मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। हम इसको टेप करेंगे, यहाँ भी हम टेप करेंगे। फिलहाल के लिए अभी चेक इन करते हैं, उसके बाद दिखाते हैं आपको। दोस्तों आप देख सकते हैं हमने इस कंडेंसर का लगा चुके हैं, जो कि बैटरी का हमारा काम, जब भी आपका बैटरी डेड हो जाए तो आप इस कंडेंसर के द्वारा आप सही कर सकते हैं और हॉर्न बजा सकते हैं, जैसे कि हमने लगाया है। अब आपको हॉर्न भी बजा के दिखाते हैं। थोड़ा इस लेटर थोटर देने पर देखिए हमारा हॉर्न भी बराबर बज रहा है, और इसी कंडेंसर की वजह से ये बाइक जो थी झटके मार के चल रही थी और बराबर नहीं चल रही थी। तो इस बाइक में बजाज की बाइक हो गई, सुजुकी की बाइक हो गई, और इन सब बाइक में इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है, पिकअप छोड़ने के भी और हमारा बैटरी का जो है, बैटरी का भी हम ख़राब हो जाता है। तो हम इसके द्वारा आप लगाकर सही कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अब हम इसको अभी टेप करते हैं और इसको आपको प्रॉब्लम को चलते हुए आपको दिखाएंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं आप बस इस देख सकते हैं बिल्कुल सही बाइक चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम झटका दे रही थी वो ठीक हो गया है। दोस्तों हम अब कस्टमर से पूछने वाले हैं बाइक पहले से कैसा चल रही है और झटका दे रही है या नहीं दे रही है, हम इनसे पूछेंगे। ये हमारा बाइक का ओनर है, तो आप बताइए, ये ड्राइव करके आए हैं बाइक को, अब बताइए आप बाइक जो चल रही थी वो सही चल रही है या नहीं। जैसा कि आप जानते हैं पहले झटका दे रही थी, अब झटका नहीं दे रही है, अब बिल्कुल सही चल रही है। आप काम से और किक भी अच्छा मतलब बज रहा है पहले से, हॉर्न भी अच्छा बज रहा है, इनका कहना है मतलब आप काम से संतुष्टि है। हाँ ठीक है। तो दोस्तों वीडियो अच्छे लगे तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिए।